फ्रेंड, ये मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर जोजरी नदी है, तो मैंने कहा आज क्यों नहीं गांव का टूर कराया जाए अपने दोस्तों को, और दिखाया जाए कि अपना गांव कैसा है, कैसा सुंदर दिखता है। फ्रेंड, ये बालाजी का मंदिर और ये शिव जी का मंदिर दोनों एक ही जगह पे है। फ्रेंड, आज आप लोगों को दिखाता हूँ मैं हमारे गाँव का बालाजी का मंदिर। आप देखना ये बालाजी का मंदिर कितना खूबसूरत है। आज आपको बालाजी के दर्शन करवाता हूँ मैं। ये ढोल नगाड़े, ये बालाजी का जांबाजी का मंदिर जो हमारे डाणियों के पास में ही है। आज इधर आए हुए थे तो आपको भी सोचा दर्शन करवा दूं। बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। फ्रेंड, ये बालाजी के मंदिर के पास में शिव जी की मूर्ति है, और बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बढ़िया बनी हुई मूर्ति है। एक बार आप लोगों को मैं शिव जी के दर्शन करवाता हूँ, देख लो। फ्रेंड, ये हमारे गांव के पास में ही गौशाला है जहाँ गायों को रखा जाता है और इनको हरा चारा खिलाया जाता है। इन गायों को हमारे गाँव के द्वारा ही सेवा की जाती है, गाँव वाले ही मिल के यहाँ पे सेवा करते हैं। ये मेन बाईपास है, बाईपास के ऊपर ही ये गौशाला है। देखो गायें खड़ी है, कितनी खूबसूरत आराम से खड़ी है। और ये गायों के लिए चारा है, जो रोड चलते आदमी गायों को चारा डालते हैं 150 रुपये का। आज फ्रेंड आपको मैं अपना खेत दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे इंडी बोई हुई है, और बारिश में तो बाजरा बोया जाता है, और बारिश के बाद में गेहूँ और इंडी, ये दो ही हमारे पैदावार होती है। क्योंकि यहाँ पे हमारे भारी पानी है, ना तो खारा ना मीठा, इससे ये दो फसल ही हम लोग ले सकते हैं। और बारिश के मौसम में तो हम लोग बाजरा ही बोते हैं, वही हमारा मेन खाद्य है। फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा गांव पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।